हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां समाजवादी पार्टी के नेता व तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज खान उर्फ पप्पू की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को अज्ञात बदमाशों ने उनके आवास के पास ही अंजाम दिया। घटना के बाद आनन-फानन में लोग फिरोज पप्पू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद तुलसीपुर नगर में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने 4 जनवरी की देर रात इस घटना को अंजाम दिया। तो वहीं वारदात की सूचना मिलने पर SP हेमंत कुटियाल फोर्स के साथ CHC पहुंचे और मामले की जानकारी ली। तो वहीं इस घटना को लेकर पूर्व चेयरमैन के समर्थकों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू मंगलवार रात जरवा रोड स्थित अपने घर जा रहे थे। घर की गली के मोड़ के निकट पान की दुकान पर वो सिगरेट खरीदने लगे, तभी अचानक बदमाशों ने पहले उन्हें गोली मारी, इसके बाद धारदार हथियारों से उनके गले, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर पूर्व चेयरमैन के समर्थकों और समाजवादी पार्टी के नेताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देर रात पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू के समर्थक और परिजन घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से इनकार कर दिया। वहीं DIG और SP समेत तमाम आला अधिकारियों को समझाने और शीघ्र घटना में शामिल लोगों को पकड़ने के आश्वासन दिया गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका, जिसके बाद आज उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहे हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।